Hi friends, I'm Shourash Pal and it is Knowledge Hub. In today's video, we are going to learn kinematics and it is very important chapter in 12 boards. And kinematics is a very important topic for the JEE mains and advanced and also for the NEET students. So keep watching guys. So here is the flowchart of the kinematics as well as the physics part. So as you can see, the first part of the kinematics is the motion in the straight line. Motion in the straight line, what it means, if a particle or a body moves in a straight line, moves in a straight direction, contains the velocity or the acceleration or the deceleration in the straight line, in a one-dimensional form, then it is called the motion in a straight line. So हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल का, अगर कोई बॉडी का, कोई चीज का, तो वो चीज अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसे हम कहेंगे the motion in a straight line. Okay, it is a 1D motion. याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ 1D motion, one dimensional motion. यहाँ पे कोई दूसरी डायमेंशन में आ ही नहीं है चीज. आपको पता ही होगा कि डायमेंशंस आर 3. इससे ज्यादा डायमेंशंस होते हैं, लेकिन हम हमारे दुनिया में नॉर्मल लाइफ में 3 डायमेंशंस में ही चीजें देखते हैं. ओके, एक तो होता है एक्स एक्सिस बराबर, वाई एक्सिस बराबर और जेड एक्सिस. ओके, ऐसा होता है 3 डायमेंशन. सो हियर इज अ फिगर, यू कैन सी दैट. In this figure, I am expressing a body with the mass m is traveling towards B from the point A with the velocity of v. Okay, it is executing a motion in a straight line. ये एक सीधा पाथ में जा रहा है, इसका trajectory एकदम सीधा है, कोई इधर नहीं उधर नहीं कहीं भी नहीं, ये सीधा जाएगा. तभी ये तभी सिर्फ और सिर्फ तभी स्ट्रेट लाइन में कहलाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा. ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट एंड हेडिंग टू द नेक्स्ट. ओके, इट्स टू इजी, बहुत ही आसान है ये चीज समझना, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, हम इसके बाद जाते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में. So, so as you can see, the next part is the motion in a plane. Okay, the motion in a plane. So, यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, दो डायरेक्शन में. ओके, एक से ज्यादा, दो डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है, ऐसी है बॉडी. सो वी कैन डिफाइन इट एज अ बॉडी और अ पार्टिकल मूविंग इन अ 2D डायमेंशन. ओके, मूविंग इन अ प्लेन, जैसे कि आप समझ लीजिए आपका फ्लोर है, आपने उस फ्लोर पे एक कांच की बॉल या फिर कोई भी बॉल ऐसे ही रोल कर दिया है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी या फिर इधर उधर जाएगी, बाउंस करेगी, लेकिन वो जो भी होगी, जो भी जैसे भी वो चलेगी, वो 2D मोशन के अंडर आएगा, आपके एक प्लेन में आएगा, एक प्लेन के अंडर आएगा. ओके, सो एज यू कैन सी, अगर आप कोई भी बॉल या कोई गोल चीज को अपने फ्लोर पे सरका देंगे, तो वो जो भी मोशन एग्जीक्यूट करेगा वो एक मोशन इन अ प्लेन कहलाएगा. ओके, अ मोशन इन अ प्लेन, व्हाट इज दिस, इट्स क्लियर ना. सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ फिगर ऑफ टू elaborate that thing. Okay, just hold on. So okay guys, as you can see, it is a particle carrying mass m heading towards B from the point A, and it has a velocity of v throughout the path, let us consider. So as you can see, it is going towards B
in this direction. So यहाँ क्या हो रहा है कि जो बॉडी है ना वो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो इसमें कोई एक डायरेक्शनल फ्लो नहीं हो रहा है. यहाँ पे बॉडी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ जा रही है. तो आप समझ पा रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कि एक प्लेन में ये मूवमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, एक प्लेन में, जस्ट लाइक अ बोर्ड एज यू कैन सी. ओके, सो ये है 2D मोशन. देन हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, जो आपके सिलेबस में ज्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन हायर स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है. द थर्ड थिंग इज द मोशन इन अ 3D. यस, यू गेस्ड इट. सो व्हाट इज दिस मोशन इन अ 3D थिंग? एज यू कैन सी, द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मींस अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन ओनली, व्हिच इज हैविंग अ one dimension in his character, in its character. Okay, and the motion in a plane means a body can move in two directions only, x and y. As I explained earlier, it can execute its motion in two dimensions, as you can see this figure. Okay, figure number 2, and then it comes the motion in 3D. So, I think, motion in 3D means? Motion in 3D, it means, अगर आप कोई body एक volume में circulated हो रही है, एक volume में travel कर रही है, जैसे कि एक ये घर है, okay, ये एक room है, room में अगर कोई पत्थर या कोई छोटा कोई पार्टिकल हो और उसको हम ऐसे घुमाए, यहाँ फेंके, वहां फेंके, तो उसमें जो मोशन होंगी वो होंगी द मोशन इन 3D. ओके, एक वॉल्यूम में एग्जीक्यूटेड होंगी, वो कोई प्लेन में नहीं, वो एक वॉल्यूम में एग्जीक्यूट होंगी. उसका एक जेड एक्सिस होगा, उसका एक एक्स और वाई तो एक्सिस तो होंगे ही होंगे. तो ऐसे ही हम एक 3D में एक मोशन को एग्जीक्यूट होते देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट सेकेंड थिंग, द मोशन इन प्लेन 2D थिंग. एंड अगर आप एक पत्थर लोगे हाथ में और उसको ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा? तो वो जाएगी, जाके ग्रेविटी की वजह से गिर जाएगी. पहले वो ऊपर जाएगी, फिर एक पॉइंट के बाद नीचे जाएगी और जाके गिर जाएगी मिट्टी में. ओके, सो जस्ट ड्रॉ इट. यहां है आप. ओके, लेट अस कंसीडर ये आप. फिगर पे मत जाइए, जस्ट टेक इट एज अ पर्सन एंड देन यू आर थ्रोइंग अ स्टोन हियर. कंसीडर आप ए पे थे और बी पे आपने एक पत्थर फेंका. सो आप क्या समझ पा रहे हैं ये किस तरीके का एक मोशन एग्जीक्यूटेड हुआ यहां? कुछ मेल खा रहा है. हाँ, ये 2D मोशन है, क्योंकि ये सामने भी जा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है, फिर इस सेक्शन के बाद ये नीचे भी आ रहा है. सो यहां इसके ट्रैजेक्टरी में यहां ये पत्थर दोनों तरफ मूव कर रहा है, ऊपर नीचे और सामने की तरफ, ठीक है. लेकिन ये ना बाहर की तरफ मूव नहीं कर रहा है, बोट के रिस्पेक्टिव में ये बाहर की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सामने और ऊपर नीचे मूव कर रहा है. तो ये 2D मोशन हुआ. सो वैसे ही अगर मैं कहूं आप एक पत्थर लीजिए और वैसे ही आप उस पत्थर को फेंकिए जैसे पिछले बार फेंके थे, ऐसे फेंका और तब हवा नहीं चल रही थी, पिछले बार हवा नहीं चल रही थी और इस बार हवा चली और बहुत जोर से चली,
यहां से हवा आई इधर गई और बीच में आपका 2D मोशन को 3D करके गई। कैसे? आपने जो पत्थर फेंका वो ऐसे जा रहा था, यहां से हवा आई, वो हवा ने इस पत्थर को यहां पे एक मोशन दिया, उसके वजह से जो पत्थर यहां गिरने वाला था वो पत्थर यहां से डाइवर्टेड होके गिरा इधर। सो यहां पे समझ पा रहे हैं, यहां पे एक गैप गैप आ जाता है। उसके लिए ये सिर्फ एक प्लेन में नहीं रहता, ये प्लेन में नहीं रहता, ये प्लेन से भी आगे बढ़ जाता है, ये प्लेन से बाहर आ जाता है। तो इसके लिए ये एक वॉल्यूम क्रिएट करता है, ये एक वॉल्यूम में एग्जीक्यूट हुआ, ये एक वॉल्यूम में ट्रेवल किया। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं 3D मोशन। मैक्सिमम गैस पार्टिकल्स जब एक्साइटेड होते हैं तो वो 3D मोशन में अपने वेलोसिटी, अपने मूवमेंट उनको एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द काइनेमेटिक्स। द फर्स्ट पार्ट इज अ मोशन ऑफ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देन मोशन इन अ प्लेन, देन मोशन इन 3D और 3D। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जगह में समझने में कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी आज जितना पढ़ाया उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। एक्चुअली आई शुड ट्राई बिकॉज आप लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसके मतलब आप मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि मैं आपको ठीक से पढ़ाऊं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ यू आर अ न्यू व्यूअर देन दोस्त वो सब्सक्राइब वाला बटन ऑब्वियसली दबा देना और उसके नीचे वाला घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि जब भी ऐसे कोई ट्यूटोरियल वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।